नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको ज्योग्राफी की क्लास में हम लिए चलते हैं अक्षांश और देशांतर की तरफ। जैसे कि एग्ज़ाम्स बिल्कुल अपकमिंग हैं, रेलवे ग्रुप डी और बाकी एग्ज़ाम्स भी अनाउंस हो चुके हैं, तो तैयारी आप करते रहें। तो आइए, देर नहीं करते हैं, आपको लिए चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन में अक्षांश व देशांतर। तो ग्लोब तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब स्कूलों में जाते थे तो प्रिंसिपल की टेबल पे ग्लोब रखा मिलता था, उसको गोल गोल घुमा के चेक करते थे। चलिए उसी ग्लोब की बात करेंगे, तो उसी अक्षांश आज का टॉपिक क्या रहेगा, अक्षांश व देशांतर। ठीक है, अक्षांश को कहते हैं लैटीट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, अक्षांश और देशांतर। पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए, मान चलिए ये अर्थ ले लेता हूँ, अब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ है, इस व्यक्ति की स्थिति समय आदि का निर्धारण करने के लिए जो रेखाएं लगी, काल्पनिक रेखाएं बनाई गई, उनको हम अक्षांश और देशांतर कहने लगे। अक्षांशीय रेखा, जैसे हम मान के चलिए ये जो हॉरिजेंटल लाइंस जो खींची जाएंगी अर्थ के समांतर, ठीक है ना, वो कहलाएंगी आपकी अक्षांश। और जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली लाइन खींची जाएंगी वो आपकी कहलाई देशांतर। ठीक है, तो इस स्थिति पर समय निर्धारण के लिए क्या चाहिए, देशांतर चाहिए। स्थान निर्धारण के लिए क्या चाहिए, अक्षांश चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप हेडिंग लगाइए अक्षांश। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश कहते किसको हैं, मैं लिख देता हूँ अक्षांश। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो पृथ्वी की सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से बनाई गई रेखाएं जो समान कोण बनाने वाली हों, जो समान कोण बनाने वाली हों, वो कहलाती है अक्षांश रेखा। काल्पनिक रेखाएं, देखिए जरा मैं आपको चीज़ें और डिस्क्रिप्शन, कोण कैसे बनाती हैं, ये मान के चलिए सेंटर है। अब मान के चलिए सेंटर से जो होकर सीधी लाइन जाती है, इसको तो आप इक्वेटर कह देते हैं, इक्वेटर कह देते हैं, यानी ये आपको जीरो डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, सेंटर के साथ, अर्थ को सेंट्राइज कर दिया और सेंटर के साथ जीरो डिग्री एंगल बना रही है। तो हमने क्या किया, कल्पनाओं में जब हमने ये काल्पनिक रेखाएं खींची तो हमने प्रत्येक एक डिग्री कोण के लिए एक अक्षांश रेखा का निर्धारण किया। अब जरा ध्यान दें, यहाँ से जो भी लाइन, मान चलो ये लाइन है यहाँ और 10 डिग्री एंगल बना रही है, कितना बना रही है 10 डिग्री एंगल, तो ये अब यहाँ से जो इसके पैरेलल लाइन खींची गई है, ये लाइन जो खींची गई इसको ऐसे सीधा रख के, ये कहलाई आपकी 10 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाई, 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यानी इस अक्षांश का सेंटर से कोण कितना है, सेंटर से कोण कितना है 10 डिग्री। ऐसे ही हम ऊपर थोड़ा और गए तो हमने 23.5 खींच दी, 23.5, थोड़ा और ऊपर गए, तो इस तरीके से जो हमने उनका निर्धारण किया, 66.5 हमने खींची, 90, और जब हम बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के कोई लाइन खींच रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे, तो वो आपकी पोल की स्थिति को दर्शा रही होगी, यानी सेंटर से 90 डिग्री की स्थिति पर जो आपकी स्थिति बनती है उसको हम कहते हैं पोल। अब अगर ये ऊपर के एरिया को हम जो है नॉर्थन एरिया कहा, ठीक है ना, नॉर्थ, और इसको हमने साउथ, गोलार्ध है, आधा आधा इन्होंने बांटा है, तो ये जो कहलाएगा ये नॉर्थ पोल कहलाएगा और यहाँ जब 90 डिग्री का एंगल आएगा तो वो साउथ कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अक्षांश का कौन, जैसे अक्षांश का जो मीजरमेंट है वो एक्चुअल में है क्या। जैसे 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री है क्या, 23.5 डिग्री मतलब वो सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से 23.5 डिग्री का एंगल बना रही होगी और उसके पैरेलल बिल्कुल ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची जाएगी
वो कहलाएगी आपकी 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो चलिए दोबारा से मैं इस चीज़ को मिटा के बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कितना का एंगल बना रही है और उसको क्या कहा जाता है। चलिए ज़रा, ठीक है, तो अर्थ को ऐसे बना लेते हैं। बीचों बीच की जो लाइन है वो तो आपको पता चला क्या कहलाती है, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री। अब इक्वेटर के और अन्य नाम क्या है? इक्वेटर के अन्य नामों में हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी नामों में, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे नामों से हम इसको, 0 डिग्री लाइन, ऐसे नामों से हम इसको पुकारते हैं। अब देखिए, हमने पहली बार में जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में, हम इसको क्या लिख देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। सोच रहे होंगे दूर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें और भी नॉमिनेशन देना है, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए जरा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। तो जो पहली 23.5 डिग्री की जो लाइन है उसको मानक लाइन कुछ कहा गया, उसको कहा गया कर्क रेखा। क्या कहा गया? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आगे बताएंगे इनका नाम भी। इसके बाद अगली लाइन, यानी 23.5 डिग्री होगी, इसके बाद अगली लाइन जो उन्होंने खींची, जो कुछ मेजरमेंट लिए लेते हैं मानक, वैसे तो हर एक डिग्री के लिए एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया गया है, तो अगली हुई आर्कटिक, 65.5 है, 66.5, और इसको कहा गया आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, ठीक है। और हमने पहले ही आपको 90 डिग्री पर बताया, 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण पर पहली जो 23.5 डिग्री की खींची गई वो कहलाई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 लिख देते हैं, 66 सही, 1/2 लिख देते हैं, अंटार्कटिक, इसको क्या कहा गया, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री, जब हम इधर 90 डिग्री का हमने एक पॉइंट बनाया, तो दक्षिणी ध्रुव, ये क्या कहलाया, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये इनका नॉमिनेशन। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। हमने आपको बताया कि 1 डिग्री के लिए एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया गया, कितना, 1 डिग्री के लिए एक अक्षांशीय रेखा का निर्धारण किया गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए जरा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, देखो 90 तो ऊपर खींची, ठीक है ना, 90 तो ऊपर खींची और 90 नीचे खींची, भाई सीधी सी बात है, 1 डिग्री के लिए एक है तो 90 डिग्री तक गए, नीचे तो 90 इसके लिए, और एक आपकी 0 डिग्री, कितनी हो गई ये, 181, ठीक है। अब ये जो है ये अक्षांशीय वृत्त बनाती है, क्या बनाती हैं, वृत्त बनाती हैं। तो जब जैसे मान चलिए ये पहली लाइन खींची, तो ऐसे पैरेलल दूसरी लाइन एक और खींची, 1 डिग्री का इधर भी ऐसे एक पैरेलल लाइन ऐसे इधर भी खींची गई, तो ये अक्षांशीय वृत्त बनाती है। तो अक्षांशीय वृत्तों की संख्या, एक बार क्वेश्चन पूछा गया अक्षांशीय वृत्तों की संख्या, तो अक्षांशीय वृत्तों की जो संख्या होगी वो 181 में से 2 कम कर दीजिए, कौन से 2, एक तो ये और एक ये, -2, तो कितनी होगी, 179। अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 179। एक क्वेश्चन एक बार SSC ने पूछा कि सबसे बड़ा वृत्त, यानी वृत्त, वृत्त अक्षां वृत्त, ऐसे खाली वृत्त लिखा था उन्होंने, वृत्त का मतलब ग्रेट और वृत्त में सर्किल, सबसे बड़े सर्किल का उदाहरण क्या है, तो वो कौन है, इक्वेटर, कौन है, इक्वेटर, इक्वेटर पर सबसे ग्रेट सर्किल बनता है, सबसे ज़्यादा स्पेस का सर्किल बनता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से अक्षांश में लिख देते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, भाई अलग अलग है, तो एक एवरेज डिस्टेंस निकाली, तो 2 अक्षांशों के बीच एवरेज डिस्टेंस
कितनी है स्टूडेंट? एवरेज स्टूडेंट एवरेज डिस्टेंस जो है वो है 111 किलोमीटर। कितना है? याद रखिए आप, 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो डिस्टेंस है एवरेज 111 किलोमीटर, यानी एक डिग्री से दूसरे डिग्री एंगल तक जाने के लिए आपको 111 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तब आपको दूसरी अक्षांश आएगी। इसी से आप जीपीएस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। अक्षांश और देशांतर से समय और जीपीएस प्रणाली का प्रयोग करके आप किसी की भी स्थिति का निर्धारण कर पाते हैं। तो ठीक है, दक्षिणी ध्रुव आपने समझा 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव आपने समझा 90 डिग्री, और ये डिग्री समझ में आई होंगी कि ये डिग्री आखिर है क्या। यानी सेंटर से, अर्थ सेंटर से बनाए गए एंगल के पैरेलल, देखिए इधर से आप जब इधर को एंगल बना रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, वो 23.5 डिग्री एंगल बना रही होगी, तो उसके पैरेलल जो लाइन खींची गई वो कहलाई आपकी अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, चलिए अक्षांश को हम हटा देते हैं और अब आपको हम लिए चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन देंगे, देशांतर की ओर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देशांतर। देशांतर से क्या होता है भाई बताइए जरा, देशांतर किसके लिए होती है? देशांतर होती है समय के निर्धारण के लिए, सबसे पहला काम इसका। तो ये दक्षिणी पोल और उत्तरी पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी पृथ्वी की सतह के समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, और अक्षांशीय रेखाओं के लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी एक बार क्वेश्चन आया था कि अक्षांशीय रेखा क्या देशांतर रेखा है, अक्षांशीय रेखा के लंबवत होती हैं? हाँ होती हैं, बेशक वो ऐसे घूम रही है, लेकिन प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल का भी प्रादुर्भाव होता है। तो इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ग्लोब आपने देखा होगा, एक ऐसे सीधी खींचे देते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम, ऐसे 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 बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कहाँ, देखो अब एक क्वेश्चन तो यहीं से यही आ जाता है कि भाई इनका जो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर ये दोनों तरफ आके मिल रही हैं। जब ये ध्रुवों पर दोनों तरफ आके मिल रही हैं तो बीच की दूरी तो ध्रुवों पर जीरो हो जाएगी, ये आपकी देशांतर बनी। ठीक है, पृथ्वी के समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को अक्षांशीय रेखाओं के लंबवत होकर मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब आप एक चीज बताइए, पूरा एक सर्किल कितने का बनता है? 360 का। एक जीरो डिग्री तो ये होगी, ठीक है, जीरो डिग्री, और इसके दूसरे पक्ष में 180 डिग्री और लाइन होगी। ठीक है, इनके बीच में 179 लाइन से इधर और 17 लाइन इधर। पहले देशांतरों की संख्या दिखा देते हैं आपको, देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं में पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, तो देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए। देखिए जरा, 179 इधर, 179 इधर, दो की गुना करें, प्लस एक जीरो डिग्री और एक 180, तो कितना हो गया? 28 और प्लस दो, देख लीजिए, 3060। यानी देशांतर लाइन कितनी हो गई? 360। कितनी हो गई देशांतरों की संख्या? कितनी होगी? 360 देशांतर की संख्या है। चलिए कुछ चीज़ें और लिख लेते। अब आप देख रहे होंगे कि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? जीरो किलोमीटर है, देख लो, जीरो किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या है? ध्रुवों पर आकर मिल रही हैं। और एक और चीज़, ध्रुवों से जब आप जैसे 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 विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे बीच में एक मैं इक्वेटर लाइन और डाल देता हूँ, ऐसे इक्वेटर, ठीक है ना स्टूडेंट, जब आप इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे होंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी एक्सटेंड हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है ना। देखो ध्रुवों पर जीरो, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे देशांतर उस पर जीरो डिग्री पर आएंगे, भूमध्य रेखा पर आएंगे, विषुवत रेखा पर आएंगे, तो आपकी दूरी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी भूमध्य रेखा पर इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 111.32 किलोमीटर, ठीक है, 32 किलोमीटर। ध्यान रखना किस पर है? इक्वेटर पर दो अक्षांश, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। ध्रुवों पर जीरो है, यह आपको पता चल गया। और एक और बार को क्वेश्चन बता देते हैं, यानी 45 डिग्री पर,
यानी 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर इनके बीच की दूरी 79 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 79 किलोमीटर। ठीक है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो 79 किलोमीटर होती है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को भी आप स्पेशली ध्यान से पढ़ेंगे। अब आता कैसे है, देखिए 360 देशांतर हो गई, 360 देशांतर, 24 घंटे में पृथ्वी अपने रोटेशन को पूरा करती है। जब रोटेशन को 24 घंटे में पूरा कर रही है तो देखिए, तो पृथ्वी की गति से कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। चलिए समझिए, 24 घंटे में पृथ्वी घूमती कितनी है, 24 आवर में पृथ्वी घूमती है कितनी, 360 देशांतर, ठीक है ना। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, एक घंटे में 360 बटे 24 कितना हो गया, 24 से कट करिए, 24 से कम 24, 12 बचा और 24 पंजे 15, यानी 15 डिग्री अंश देशांतर प्रति घंटे की गति है पृथ्वी की, 15 अंश देशांतर की गति है, यानी वो एक घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है। और अगर हम इसको बात करें, या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर, देशांतर पर कन्वर्जन कर लें भाई, 15 अंश देशांतर घूमती है एक घंटे में, तो एक अंश देशांतर कितने में घूमेगी, एक अंश देशांतर घूमेगी 15 को डिवाइड, 60 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, 4 मिनट में, ठीक है ना, या प्रति 4 मिनट प्रति देशांतर, प्रति 4 मिनट एक देशांतर, ठीक है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितने मिनट टाइम का चेंज मिलेगा, तो आपका आंसर होगा 4 मिनट। और आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी एक घंटे में कितना घूम जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15 देशांतर, ठीक है ना स्टूडेंट। बड़ा सिंपल पढ़िए, कोई ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। एक क्लास न्यूमेरिकल वैल्यू की हम एक क्लास देंगे कि जिसमें आपको ईस्ट वेस्ट जो है जाने पर आने पर देशांतर में समय निकालना सिखाएंगे, समय का निर्धारण अगली क्लास में हम सिखाएंगे। इतना समझ लीजिए कि जो ये 0 डिग्री है इसको ईस्ट में और वेस्ट में बांटती है, ठीक है ना, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है स्टूडेंट। यानी 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और लिए लेते हैं, हटा देते हैं इसको, देशांतर को, कुछ चीज़ें एग्जाम प्रोस्पेक्टस से ले लेते हैं। आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस पे नहीं है, भूमध्य रेखा पर नहीं है। तो सबसे पहले आप नाम नॉमिनेशन लिखिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ऐसे लिख दूँ ना, लाइन बना के लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या। चलिए ऐसे लिख देते, ये है इक्वेटर, यानी इक्वेटर पर जो देश आते हैं उनका नाम लिखिए आप। इक्वेटर पर कौन कौन से देश आते हैं, यहाँ से जब पृथ्वी को स्टार्ट मानते हैं हम, तो इक्वाडोर, कौन सा, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया, ठीक है ना, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ठीक है। ये तीनों किसके देश हैं, तीनों किसके देश हैं, साउथ अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के ये तीन देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इसी पर पढ़ते हैं। इसके बाद अफ्रीका के लिख लीजिए हमसे, अफ्रीका के कुछ देश जो इस पर पढ़ते हैं उनका भी नाम लिख लीजिए। एक तो है साओ टोम प्रिंसिपे, साओ टोम, टोम प्रिंसिपे, साओ टोम व प्रिंसिपे, ठीक है, एक ही देश है। एक दो तीन चार, पांचवा आप लिखिए गैबोन, गैबोन, छठा आप लिखिए कांगो, सातवा कांगो गणराज्य, ठीक है ना, सातवा कांगो गणराज्य, आठवा युगांडा, युगांडा, नौवा देश बताइए जरा, नौवा केन्या और सोमालिया, दसवा ये केन्या
और दसवां सोमालिया, ठीक है। इसके बाद जो है ये हिंद महासागर में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? हिंद महासागर में। यहाँ लिख देता हूँ हिंद महासागर। हिंद महासागर में कुछ द्वीप समूहों से गुजरती है। तो हिंद महासागर में जो है ग्यारहवां नॉमिनेशन, दस हो गए ना, ग्यारहवां किससे? हिंद महासागर में है मालदीव, मालदीव। बारहवां इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तेरहवां जो है किरीबाती, लास्ट पॉइंट किरीबाती। किरीबाती जो है प्रशांत महासागर पे एंड करता है। प्रशांत महासागर का अंतिम पॉइंट है, पृथ्वी का अंतिम पॉइंट कभी कभी कह देते हैं इक्वेटर की दृष्टि से, तो प्रशांत महासागर का किरीबाती। ये जो है 13 देश जो है किस पर है? इक्वेटर पर है। चलिए तो आप नॉमिनेशन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ये जो है 3 देश थे किसके? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के थे। अफ्रीका के जो है बाकी ये 10 तक अफ्रीका के थे। साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और हिंद महासागर के मालदीप, इंडोनेशिया और किरीबाती प्रशांत महासागर में अंतिम इक्वाडोर, इक्वेटर को अंतिम बिंदु। कभी कभी एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पृथ्वी का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो अंतिम बिंदु जो है इधर से जो बताया गया वो किरीबाती बताया गया। चलिए सूरज की पहली किरण आपके प्रशांत महासागर में किरीबाती पर ही पड़ती है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, लेकिन उससे पहले भी किरीबाती को सूर्य के दर्शन होते हैं। चलिए अगले पर हम चलते हैं। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा। अच्छा कर्क रेखा, कर्क रेखा की बताइए जरा। कर्क रेखा में पहले आप स्टार्ट कर लीजिए हवाई द्वीप, ठीक है ना, द्वीप समूह है। दूसरा आप हवाई द्वीप के बाद मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको, ठीक है ना। तीसरा बहामास, बहामास। चौथा आप चलिए कुछ अफ्रीका के देश लिए लेते हैं, पश्चिमी सहारा, नाम नोट करते चलिए पश्चिमी सहारा। पांचवा आप चलिए पश्चिमी सहारा के बाद मारितानिया, 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 ठीक है जी। छठा देश बताइए जरा, कितने देश मान लें इसके? 17-18 तो मान ही लेना। चलिए माली, ये कहाँ के देश हैं? बहामास के बाद ये जो देश चल रहे हैं ये किसके? अफ्रीका के देश चल रहे हैं। माली के बाद अल्जीरिया, नाम तो सुने होंगे ना, अल्जीरिया, अल्जीरिया। इसके बाद जो है अल्जीरिया के बाद नाइजर है, नाइजर के बाद लीबिया है, नाइजर। एक क्रम से चल रहे हैं हम, हमारे यहाँ लिख देते हैं लीबिया, ठीक है। दसवां बताइए, लीबिया के बाद जो है मिस्र, मिस्र को दूसरा नाम बताइए। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मिस्र को आपका साहित्य कुछ और नाम से पढ़ता है, इजिप्ट, याद है? मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। इसके बाद ग्यारहवां चार, ठीक। चलिए वेस्ट एशिया में चलते हैं हम, वेस्ट एशिया में, एशिया महाद्वीप में अब हम पूछ कर रहे हैं कर्क रेखा को लेकर। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। आगे बढ़े सऊदी अरब के बाद यूएई, यूएई। इसके बाद ओमान, ओमान, ठीक है। ओमान के बाद भारत, भारत को जब पढ़ाएंगे तो भारत को बताएंगे कि भारत में कहाँ से गुजरती है। भारत के बाद बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये म्यांमार से गुजरती है, म्यांमार। इसके बाद ये चीन के कुछ पार्ट से, ठीक, चीन के भी कुछ पार्ट से है, और ताइवान, ठीक है। चीन पर हमेशा विवाद रहा है, लेकिन चीन को भी हम बता देंगे कैसे है, जब आगे डिस्क्रिप्शन देंगे तब बता देंगे, इस पर विवाद रहा है। चलिए क्योंकि चीन जो है सागर में कुछ अपना आधिपत्य जमाए हुए है, तो वहाँ से ये जो है उसमें होता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं हटा देता हूँ इसको, ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कहाँ है मकर रेखा? दक्षिणी गोलार्ध में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के बारे में बात करिए, जल्दी से बताइए जरा। मकर रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मकर रेखा फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ठीक है ना स्टूडेंट? कहाँ कहाँ है ये फ्रेंच पॉलिनेशिया? फ्रांस का प्रशांत महासागर में है। इसके बाद चिली, चिली को तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एक अर्जेंटीना फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम, पराग्वे फुटबॉल खेलने वाले देश हैं पराग्वे, और पांचवा ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील के बारे में एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्राज़ील से दो लाइन गुजरती है, एक तो मकर रेखा गुजर रही है और दूसरी कौन सी गुजरी थी? भूमध्य रेखा, ठीक है ना? याद है ना आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके बाद अफ्रीका के कुछ देश लिख लीजिए, नामीबिया, इसके बाद नामीबिया के बाद जो है बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीका का ही है। साउथ अफ्रीका में आप चलिए, अफ्रीका का साउथ अफ्रीका ऐसे लिख देता हूँ, साउथ अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका क्रिकेट टीम याद है ना क्रिकेट के शौकीनों को, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद बताइए जरा, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, मेडागास्कर लिख देता हूँ, मेडागास्कर। इसके बाद मेडागास्कर के बाद जो आप लिखिए ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और टोंगा, इन देशों से आपकी मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। एक और लास्ट चलते चलते लिख देते हैं, हटा दें इसको, हाँ जी, आप नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ग्रीनविच माध्य रेखा, ग्रीनविच माध्य रेखा। अच्छा, ग्रीनविच माध्य रेखा क्या है? वो तो तीनों थी अक्षांशीय रेखा, और ये क्या है? देशांतरीय रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? देशांतरीय रेखा। पहले तो आप ये समझ लीजिए, डिफरेंस समझ लीजिए कि वो सब हॉरिजेंटल लाइंस थी, तीनों हमने पढ़ाया था आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी और इक्वेटर बीच वाली। इसमें 0 डिग्री ग्रीनविच माध्य रेखा की बात हम कर लेते हैं। ग्रीनविच माध्य रेखा को क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, दिनांक रेखा नहीं, तिथि रेखा तो 180 डिग्री है। उसके 180 डिग्री यामोत्तर के पैरेलल एक लाइन खींची गई, झिकझिक लाइन, टेढ़ी मेढ़ी वो लाइन हुई, हम आपको पढ़ाएंगे उसको भी। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसको इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टाइमलाइन, 0 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल टाइमलाइन इसको कहा गया। विजुलाइज हो रहा है ना, चलिए मार्कर बदल लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है वो सब लिख लीजिए जरा। ये यूके से नहीं गुजरती है, यूके यानी लंदन है, ठीक है, लंदन में ही ग्रीनविच से गुजरती है, यहाँ इसको खास पढ़ लीजिए ग्रीनविच। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ग्रीनविच को ही टाइमलाइन क्यों माना गया? क्योंकि ग्रीनविच में पुराने ज़माने में समय वेधशाला थी, समय पर रिसर्च वहाँ हुआ करता था, समय वेधशाला थी, तो इसलिए उसी को क्या कर दिया गया 1884 में वॉशिंगटन में ये डिसाइड हुआ कि भैया 0 डिग्री लाइन को क्या मान लिया जाए? समय लाइन मान लिया जाए, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है? यूके लंदन से, फ्रांस से होकर गुजरती है। तीसरा, ये स्पेन से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है। चौथा, अफ्रीका के कुछ देश ले लेते हैं, अल्जीरिया, टोंगो, ठीक है ना, टोंगो, इसके बाद टोंगो के बाद जो है आप घाना, और इसके बाद बुर्किनो फासो, बुर्किनो, बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो से ये गुजरती है। इसके बाद बुर्किनो फासो हो गया, घाना हो गया, टेंगो हो गया,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, चलिए इसके बाद, इसके बाद जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से ये गुजरती है, फिर तो जल समूह हो जाता है, तो जल समूह से ये लगातार गुजरती है, तो फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, टोंगो, घाना, बुर्किना फासो और फिर अंटार्कटिका से ये गुजर जाती है, जिसको अब ग्रीनविच मध्य रेखा कहा गया है, इसको ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, आपने एक पढ़ा होगा GMT लिखा आता है, तो GMT का मतलब क्या है, GMT की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीन विच मीन टाइम, या इसको ही हम क्या कहते थे, यूनिवर्सल टाइम, सार्वभौम, एक और नाम से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टाइम, एक और नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ, जूलू टाइम, ठीक है ना, जूलू टाइम भी, इसको यूनिवर्सल सार्वभौम टाइम भी GMT को कहा जाने लगा। चलिए इसके बाद जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन की ओर लिए चलते हैं, हटा दें इसको, तो हाँ जी लिख लेना आप, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम्स प्रोस्पेक्टस से कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, उनको ध्यान रखें, अक्षांश और देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन में हम आपको लिए चलते हैं, ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया, लेकिन हम कहते हैं और जो साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया कि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींच रहे थे, तो अब आप देखिए कि इसको टेढ़ा मेढ़ा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसको 180 डिग्री का जैसे नहीं खींचा गया, मान चलिए ये है 180 डिग्री से इसको सीधा खींच दिया, अब कोई देश है ये मान चलिए कोई देश है, ठीक है, अब इस देश के बीचों बीच से गुजर गई, तो अब एक बात बताइए, देश के बीचों बीच से गुजर गई तो इधर की डेट अलग होगी, इधर की डेट अलग होगी, क्योंकि एक और चीज़ हम बता देते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ अगर आप पूर्व में बढ़ते हैं, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध में, तो आपका एक दिन घट जाता है, क्या हो जाता है, एक दिन घट जाता है, एक दिन घट जाता है, ठीक है, और पश्चिम में अगर आप लाइन को पार करके गए तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, ध्यान देना, ठीक है, अब मान चलिए इस लाइन से अगर गुजरे तो इधर कुछ डेट और इधर कुछ और डेट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक ही देश में दो डेट हो, तो इसका सॉल्यूशन सभी ने बैठ के निकाला कि भाई ऐसा करते हैं, इस लाइन को टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हैं, और जो इसके नज़दीकी देश से उनको ये कहा गया कि भाई आप अपनी स्थिति किस तरफ रखना चाहेंगे ये आप डिसाइड करिए, जैसे आगे बताएंगे आपको कि एक देश ने चेंज किया, पहले उससे पहले हम चीज़ें पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या, तो 180 या डिग्री या उत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई जो लगभग चार जगह से विचलित है, कितनी, 180 डिग्री से चार स्थानों पर विचलन हुआ, कितने स्थानों पर, चार जगहों पर इसका विचलन हुआ, कहाँ कहाँ, फिजी, मैं बता देता हूँ आपको, फिजी, अलेपेशियन द्वीप, टांगा, चैथम द्वीप, अलेपेशियन द्वीप जो है उस पर जो है फिजी, टांगा, चैथम द्वीप पर इसको एक तो वो मिला, एक प्रशांत महासागरीय द्वीप जो आगे चल के मिले उन पर, और पूर्वी साइबेरिया यानी रूस के आसपास इसमें झिकझिक हुआ, यानी कितने स्थानों पर, क्वेश्चन केवल ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने स्थानों पर विचलित हुई, यानी वो झिकझिक हुई, टेढ़ी मेढ़ी हुई, तो वो कितने स्थानों पर हुई, चार स्थानों पर हुई, ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया ना, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें आप स्पष्ट पढ़िए, ठीक है, अब बात आती है कि जब इनको ये कहा गया कि ठीक है आप अपना देश अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, तो दो द्वीप समूह हुए समोआ और टोकेलाउ, कौन से, समोआ और वे टोकेलाउ, अब समोआ और टोकेलाउ की प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये जो व्यापार करते थे ये करते थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, अब यहाँ से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक ये जब भेजते थे अपने किसी सामान को तो डेट में बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी,
यानी एक दिन गायब हो जाता था, यहाँ से किसी और डेट में पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया में पता चली कि और डेट है, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने क्या किया कि 75 डिग्री पूर्वी पूर्व की ओर थे ये, तो इन्होंने जो है अपनी स्थिति क्या कर ली, पश्चिम में कर ली। किधर कर ली? पश्चिम में अपनी स्थिति कर ली। और कारण क्या बताया इन्होंने कि भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से हम करते हैं व्यापार। अब हमारे व्यापार में हो रही है प्रॉब्लम, तो जब व्यापार में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भैया चलिए अपनी स्थिति बदल लीजिए। तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पूर्व की ओर थे, इन्होंने अपनी स्थिति ILDC की लाइन से पश्चिम में, उस लाइन से पश्चिम में इन्होंने कर ली। ठीक है, चलिए, यानी इन्होंने अपनी स्थिति कहाँ कर ली, पश्चिम में कर ली। ठीक, अब ये आता है कि ये ILD जो है, इंटरनेशनल ILD किसको बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन को, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो भाई देखिए, देश से तो किसी से नहीं गुजरेगी, तो किस किस से गुजरती है वो भी लिख लीजिए आप, आर्कटिक सागर से। ठीक है, आर्कटिक सागर पहला, इसके बाद ये बेरिंग स्ट्रीट से, याद है ना, बेरिंग स्ट्रीट, जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट जलसंधि है, प्रशांत महासागर, यानी ये जितना भी गुजरेगी कहाँ से गुजरेगी, सागरों से गुजरेगी, यानी ये किसी द्वीप समूह के बीचों बीच से नहीं गुजरेगी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया, विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया, तो विश्व को कुल 24 टाइम जोनों में बांटा गया, टाइम जोन। अच्छा, इस टाइम जोन में भी प्रॉब्लम है, अब जो है इसका भी एक तोड़ निकाला है साइंटिस्टों ने, इसको जो है चेंज किया है टाइम जोन को, और लोकल टाइम जोन भी अब प्रभाव में ज़्यादा हैं। 24 टाइम जोन में पूरे विश्व को बांटा गया, जिसमें चीन और भारत को एक जोन में रखा गया, अकेले अमेरिका में 7 जोन मिले, रूस में अकेले रूस में 11 जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, UK में 9 है, फ्रांस में 12 हैं, रूस में 11 हैं, USA में 11 हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से चीज़ें को उनको डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो आप ध्यान रखिए। अब बात आती है लोकल टाइम की, कि लोकल टाइम भी माना गया, क्यों माना गया लोकल टाइम का, भी एक मैं रीजन बता देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, अगली वीडियो में हम उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे, तब तक आप जो है इसको पढ़ेंगे, रिवाइज कर लीजिए। आप विश्वास रखिए कि अगर आप इसी तरह साथ बने रहे तो आप एग्जाम, वेरियस एग्जाम्स को क्रॉस कर पाएंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि भाई लोकल टाइम की आवश्यकता क्या पड़ी, लोकल टाइम की आवश्यकता क्या पड़ी। भारत की स्थिति जो पश्चिम में है वो 68 डिग्री 7 डैश है पश्चिम में, और पूर्व में जो स्थिति है, लास्ट अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट अंतिम पॉइंट है वालांगू, 97 डिग्री 25 डैश तक है। अब ध्यान देना, आपने पढ़ा कि भाई 1 डिग्री देशांतर घूमने से 4 मिनट घूम जाते हैं, यहाँ और इसका अंतर अप्रोक्स कितना है, 30 देशांतर, 30 देशांतर, यानी 15 देशांतर आपको देती, कितना अंतर है, 15 देशांतर देती 1 आवर का, तो 30 देशांतर लगभग कितने का दे देंगी, 2 घंटे का। मानिए चलिए यहाँ मुंबई में बैठा व्यक्ति 4:30 बजे है, ठीक है, 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे उस समय, 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि भाई 30 देशांतर का लोकल टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो 4:30 बजे कोई व्यक्ति यहाँ से फ्लाइट लेकर चला और उसे अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो यहाँ 2 घंटे मान के चलिए उसको टाइम लगा फ्लाइट में, तो यहाँ बच चुके होंगे 6:30, 2 घंटे बढ़ा दीजिए ना, और यहाँ बच चुके होंगे 8:30, ठीक है। जब वो वहाँ लैंड कर रहा होगा तो वो वहाँ 8:30 बजे लैंड कर रहा होगा, भाई चला 4:30 बजे है और वहाँ पहुँच 8:30 बजे रहा है, मतलब 2 घंटे का कितना हो गया, 4 घंटे। तो इस समस्या के समाधान के लिए सभी देशों ने एक तोड़ निकाला और उन्होंने अपने यहाँ के लोकल टाइम को मान्यता दी। आपके यहाँ का लोकल टाइम कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद के पास रीवा, इलाहाबाद के पास जो है नैनी गांव से आपको लिया गया है, रीवा सागर और उसके बीच में। तो ये समझ आया कि लोकल टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अगली वीडियो में आपको हम लोकल टाइम और
टाइम जोन में टाइम निकालना सिखाएंगे कि किस तरीके से ईस्ट में, वेस्ट में, दिल्ली में इतना है, न्यूयॉर्क में कितना बजा होगा, सऊदी अरब में कितना बजा होगा, बाकी सब चीज़ों में स्थितियों से कैसे टाइम निकाला जाता है, ये अगली वीडियो में आपके साथ बनेंगे। तब तक के लिए आप इसी को देखते रहिए, तैयार करते रहिए, बाकी वीडियोज़ को भी देखिए, आप तैयार करते रहिए, नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम को फतेह कर लीजिए। धन्यवाद।